पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बिले पकड़ 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 बिले पकड़ पकड़। बिले संतु जी कसरत कर रही है, कहाँ कर रही है? पूछ रहे थे हमको। आराम से बॉक्सिंग लाओ। संतु जी संतु जी संतु जी संतु जी संतु जी अगर रो रही है तो हमको बता दीजिए क्या हुआ है। संतु जी संतु जी संतु रो रही है। रो रही है संतु जी। क्या हुआ संतु जी? क्या हुआ संतोष शर्मा? मैडम मैडम संतु जी क्या हो गया? पापा पहले ना पीछे से एक्सरसाइज से कंधा हिल रहा था तो हमको लगा कि कसरत कर रही है, लेकिन 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 क्या रो रही हूं? रो रही एक एक मिनट हम बात करते हैं। एक मिनट संतोष क्या हुआ? पापा का फोन आया था। संतोष जी लड़के वाले आ रहे देखने। यहाँ थाने आ रहे? तो तुमने मना क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो संतोष, तुम मना कर सकते हो। तुम मना कर दो कि तुम्हारा मूड नहीं। बहुत बार बोला पापा को। चार दिन शांत होते हैं, उसके बाद वो घर पे आके ताना देता है और फिर दौरा पड़ जाता है शादी कराने का। कितने बार बोला नहीं करनी है शादी, तो भी नहीं सुन रहे। ठीक है शांत हो जाओ। पानी आया था आज सुबह। तुम पानी पियोगी? एक्सक्यूज मी मैडम सर, संतोष शर्मा के जो पेरेंट्स है वो जस्ट लाइक योर अम्मी। मतलब आप पढ़ी लिखी है, आप अपनी अम्मी को नहीं समझा पाए तो संतोष जी कैसे समझा पाएंगे? अरे आपके अम्मी ने ऐसे तौलिया छटक दिया तो उन्होंने चुने हुए 3-4 रिश्ते तो ऐसे ही गिर जाएंगे। इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली बोला है। जो 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 लड़के देखने आ रहे हैं ना वो बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको उनको नाराज नहीं करना है। पापा ने उनके सामने मेरे बहुत तारीफ की है। यहाँ पे आकर अगर उन्होंने वो सब देखा और सुना नहीं तो मेरे पापा जेल नहीं पाएंगे। अरे पापा ये बात। अरे तुम चुप रहो ना। देखो देखो सर के सामने बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी मेरी। मैंने बहुत बार बोला, कितने बार बोलो पापा नहीं समझ रहे। चुप शांत लंबी गहरी सांस लो। लंबी तुम चुप रहोगे संतोष, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे। तुम बाहर जाओ, बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है जाओ संतोष जी। जाओ जाओ तुम भी जाओ। हमको लीची का जूस पिला के आते संतोष जी। तुम जेल में ही ज्यादा सुखी हो बिल्लू। मैंने क्या किया है? लीची का जूस उसको चाहिए क्या? अरे पता भी है क्या बोले जा रही है आप जैसी महिलाओं की वजह से ही ना बहुएं बिगड़ रही है। माँ है कि दुश्मन है अपने बेटे की। देखिए मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ, ना कि आपका लेक्चर सुनने। और मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आप किसी समझदार महिला पुलिस ऑफिस को क्यों नहीं बुलाती? मुझे तो लग रहा है कि मोहल्ले की कोई खड़ूस सास वर्दी पहनकर मेरे सामने खड़ी है। हम तो तुमसे भी ज्यादा समझदार लग रहे, समझ रहे ना? लग रहे। एक मिनट क्या हुआ? Excuse me, what happened, ma? मैडम सर देखिए ना, थाने में रहकर हमें उल्टा सीधा बोल रही है तो हम कैसे ऐसे ही शांत खड़े होकर सुनेंगे ना? देखिए ना मैडम, हम यहाँ कंप्लेंट लिखाने आए और ये बोल ही नहीं दे रही। अरे कौन सी बात सुने, कौन सी जो हम हमसे की वो वाहियात बात ऐसे कैसे सुन? मैडम से हम आए तो आप ही बोले जा रही, हमको तो बोलने का मौका नहीं है। क्या हो रहा है सुबह सुबह? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हो रहा है? मैडम जी हम कंप्लेंट लिखाना चाहते। अरे कौन सी कंप्लेन, यहाँ कुछ नहीं। समझा करो ना, बच्चों पर असर पड़ता है ना। बच्चे? यहाँ कौन बच्चा है? आई एम बच्चा माँ। बहू बेटे भी तो बच्चे ही तो होते हैं ना। हाँ तो बाहर चलो बताते हैं। अरे छोड़िए हमको। मैडम जी कौन है ये और यहाँ बहू बेटा कहाँ से आ गए? एक्सक्यूज मी, शी इज हेड कॉन्स्टेबल ऑफ दिस थाना पुष्पा सिंह कम सास एंड शी इज बहू ऑफ हिज सास। अच्छा तो सास है इसलिए इतना पिनक रही है। आप सबका हो गया। हमें इस थाने की SHO हसीना मलिक, प्लीज इत्मीनान से बताइए आपके साथ हुआ क्या है। मेरा नाम सरिता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। yeah!
बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम चाहते हैं बात का बतंगड़ बने। समझाएंगे आपकी क्रांतिकारी सोच जो है इसके पीछे कारण क्या है? मेरे बेटे का नाम संदीप है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से वो मेरी बहू को धोखा दे रहा है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी बहू ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को मेरे बेटे की सच्चाई पता चले, उससे पहले मेरे बेटे को ऐसा लगे कि मेरी बहू का कहीं पे चक्कर है। उसे एहसास हो इस बात का कि दुनिया में आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जब वो आपकी पीठ में खंजर खोपता है तब कैसा दर्द महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि वो ये दर्द महसूस करे जो वो मेरी बहू को देने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है? माँ हूँ, औलाद की खामोशी भी सुन लेती हूँ, मुझसे क्या छुपाएगा वो? कितनी बार मैंने उसे दबी आवाज में बात करते हुए सुना है और हर बात में आई लव यू आई मिस यू भी कहते सुना है। इसकी मैया का सासू मियां, ऐसे कैसे कोई किसी के प्यार और भरोसे को ऐसे तोड़ कर अपनी अय्याशी का फॉर्मूला बना सकता है ना? मतलब इंसान, रहम या जज्बात नाम का कोई तत्व होता है कि नहीं होता है ऐसे घटिया लोगों में? देखिए, मैं यहाँ इसी भरोसे से आई हूँ कि सिर्फ यही एक जगह है जहाँ मुझे गलत नहीं समझा जाएगा, मेरी बात समझी जाएगी, मेरी मदद की जाएगी। मैडम जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू का घर और दिल दोनों टूटने से बचाइए प्लीज। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप सही जगह आई हैं। वैसे सच कहें तो आपका ये सलूशन हमें पसंद आया, अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का, लेकिन ये मामला थोड़ा सा नाजुक है इसलिए हमें एहतियात बरतना होगा। आप क्या नाम बताया अपने बहू का? अब महक। महक, ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है, फिलहाल आप घर जाइए। धन्यवाद मैडम। तो अब ऐसा है कि अगर इनकी बहू महक इस मामले में हमारा साथ देती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना महक के बिना ही हमें कुछ करना होगा। महक के बिना कुछ सोचा मैडम सर आपने? हम क्या सोचे, सरिता जी ऑलरेडी सोच चुकी हैं, हमें बस उनके सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करना होगा और वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हेलो जी, सरिता जी। हाँ बोलिए मैडम जी। आपने कहा था कि इस टाइम आपकी बहू निकलती है, हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी तक तो वो निकली नहीं है, कहाँ है आप बता सकती हैं अभी किस टाइम वो बाहर आने वाली है? निकलती तो रोज है पर पता नहीं आज लेट क्यों हो रहा है। वो क्या है ना मैडम, बोलचाल बंद है तो पूछ भी नहीं सकते। पर जाएगी जरूर, आप थोड़ा रुकिए ना। ओके धन्यवाद। हेलो जी मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए क्या अपडेट? अरे मैडम सर कुछ अपडेट नहीं है, ढाई घंटे से खड़े हैं यहाँ पे उसके महक के इंतजार में। महक क्या, उसकी महक तक बाहर नहीं आई अभी तक, कब से खड़े मैडम सर यहाँ पे? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।